गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है बहुत ही ज्यादा लेट, ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं और मैं अब सो के उठ के मैन की भाई, क्योंकि पापा के आने का टाइम हो गया था। सुबह पापा मेरे को उठा के गए थे 8:30 बजे के करीब, मैं गेट लॉक करके सो तो 8:30 बजे उठाया था। मैं उठा थोड़ी देर, उठ के बाहर गया, पानी पिया, फिर आके सो गया। तो अब 10:25 उठा, मैंने उठते ही मन की पापा आने वाले हैं भाई, पहले नहा जाके। सो मैंने अभी जल्दी से नहा के आया हूँ। सो अभी देखते हैं आज का क्या प्लान है। बाकी अब नींद से थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, कल पूरे दिन बाहर रहे थे, आज भी खैर मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देना है या कहीं ना कहीं घुमाना है, बस दैट्स व्हाट द रीज़न इज। सो अभी मैं थोड़े कपड़े पहन लेता हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। अब रेडी हो चुका हूँ, देखो 2-3 काम है। एक तो कल से भाई कॉलेज जाना है, तो आज गाड़ी का शीशा जरूर चेंज करवाना है, क्योंकि कल मार्केट भी बंद रहती है। और क्या करना था यार, फ़ोन कहाँ गया दूसरा वाला, ये रहा अपना फ़ोन ले लेते हैं। तो अब पहले तो पैसे लेने लिखने को भी यार शीशा बदले, नुकसान पे नुकसान हो गया। देखना अब गाड़ी, ये देखो वो तो इस पर थोड़ा सा वो कर्टन लगा हुआ है पीछे, जो ये पूरा नहीं बिखरा फिल्म की वजह से, नहीं तो अब तक तो ये ढेर हो जाती थी, क्योंकि पीछे का ग्लास कभी टफल नहीं होता ना शायद। लेकिन बच्चों को देख लो भैया, शैतानी करते हैं बहुत ज्यादा। हम बड़ सरक दिया, जितनी बार खिड़की बंद कर रहा हूँ ना उतनी बार वो चटकता जा रहा है, देखो कैसा हो रहा है। सो अभी चलते हैं, गर्मी लग रही है भाई बहुत ज्यादा, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ ये लेके आएंगे, ये लगाएंगे अभी शीशा भाई, क्योंकि यहाँ रेट इतने उठपटांग के, कोई कहे 3500, कोई कहे 4000, कोई 3.5, मतलब वो 3000 ऐसे बोल रहे थे। फिर एक भाई है, उनसे बात करी तो ये फाइनल हुए हैं अपने 2000 रुपये में विथ फिटिंग। सो ये बस लगाएंगे, देखो वो जो टूटा हुआ शीशा है चेंज कर देंगे उसको। देखो शीशा लग गया भाई। तो गाइस अब हमारा मिरर लग चुका है, अब हम चलते हैं वापस अपने घर पे। और चलो जी। सो गाइस अभी हम बनारस होटल से मिलते हैं। ओके ओके मस्त हो चुकी है एकदम। क्या है ये, बस ज्यादा मत हिला, उतना जितना मिलाएगा ठीक है। अरे वो दो, ये तो मतलब ऐसा है थोड़ा। आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स तो पापा नहीं लेंगे, आइस क्यूब ले आप इसको। गाइज वैसे सच बताऊं बहुत ही बुरी बनी है व्लॉग। सो जी आज है मंडे, जिम वगैरह करके आके अभी नहा के जस्ट अभी जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि फिर भाई देखो मंडे को मंदिर जाना तो नेसेसरी है। सो बस अभी चलते हैं मंदिर, वो कहते हैं भाई उधर रास्ता बंद है तो इधर से जाना पड़ेगा। बस अभी चलते हैं मंदिर, फिर मिलते हैं। देखो मंदिर आ चुका हूँ, प्रसाद ले लिया, दर्शन करके आते हैं जल्दी से। गाइस दर्शन तो करिए, और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, जब ऐसे मैं मंदिर जाता हूँ और महाराज जी मिल जाते हैं, अच्छा वो पूछे और बेटा घर में सब ठीक है, कैसे हो आप, पढ़े किस चले, अंदर से बड़ी खुशी सी मिलती है, पता नहीं क्या बात है। अब सुबह सुबह जल्दी गया था तो वो मिल गए, फिर पूछने लगे ऐसे, बड़ी अंदर से हैप्पीनेस एक्साइटेड वाइब्स आ रही है। सुबह की अभी मिल गया है भैया, दर्शन करिए, अब
घर चलते हैं, रेडी रूडी होंगे फिर अपना कॉलेज जाएंगे। 4 दिन की छुट्टी के बाद वापस कॉलेज जाना है आज। सो एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि घर में बोर हो जाते हैं ऑल द टाइम, वो तो शुक्र समझो ये व्लॉगिंग का, जो थोड़ा बहुत बाहर निकल के घूम फिर आते हैं कि व्लॉग बनाना है, नहीं तो घर में बोरियत में मर जाते हैं। सो बाकी भी चलते घर और मिलते फिर। रेडी हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुके हैं 9:20 और 10 आधा घंटा तो लग ही जाएगा भाई जाने में, आज ट्रैफिक मिलता है ना सुबह। सो चलते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइज अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा हेयर कट कराने, देखो क्योंकि बहुत अजीब से हो रहे हैं मेरे बाल बहुत, मतलब अभी कॉलेज से आया ही था, बस थोड़ा बहुत कुछ खा पी के बस बाल कटवाने चला गया, क्योंकि आज मंडे फिर भीड़ भी कम मिलेगी और फिर कल ट्यूसडे हो जाएगा, कल कटवा नहीं सकते। सो अभी चलते हैं बाल कटवाते जल्दी से ही, बिकॉज गुड लुक्स। फिर दिखा दो कैसा लगता हूँ बाल कटवाने, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है नहीं, अब भी ऐसी पागल सा लगता हूँ। हो चुका है एकदम, लुक्स थोड़ी चेंज हो चुकी है इस बार, बाल थोड़े छोटे करवा लिए भाई। तो चलते घर, बिकॉज 7:43 हो चुके हैं, लेट हो गए बहुत ज़्यादा क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी यार यहाँ पे भी। मैंने तो सोचा था मंडे भीड़ कम मिलेगी, बट नहीं भाई भीड़ मिल गई। सो बस घर चलते हैं और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे भाई, भूख लग रही है क्योंकि देखो अभी ना घर आए हुए बहुत टाइम हो गया था। बाकी क्या हुआ, मैं लेट गया, मैं कपड़े चेंज करे तो मेरे को ना थोड़ी गर्मी गर्मी सी फील हो रही थी, सो आई थॉट नहा लेना चाहिए दोबारा से, वैसे ही मौज मस्ती के लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होएगा। अभी जस्ट नहा के आया हूँ और ग्लो दिख रहा हूँ, बस कुछ भी नहीं कर रहा, बस बाल कटवाए बियर्ड कटवाई बस सिंपल, बस इतने कर रहा है। बाकी अभी कुछ खा पी लें यार, भूख लग रही है बहुत जोरदार, एसी चल रहा है अंदर तो बाहर तो गर्मी लग रही है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये लड़की बीमार है और वो कालू भाई हमारे दो बच्चे हैं। क्या रिपोर्ट है भाई, राहत है कुछ? आजा आजा, या कोई दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो बहुत है। क्या दिक्कत है? बुखार भी हो रहा है। अच्छा, और मुझे तो बड़े लोगों के वो होता है। क्या होता है? कहते से वो चक्कर आना। अच्छा, वो भी हो रहा है। और वो बैलमैन पेरिस की टी-शर्ट, नाइस। सो लोअर टी-शर्ट में रहे तू, कहाँ जीन्स पहन के लेटी हुई है? अरे कल पहना, जॉगर्स पहनो, कहाँ लोअर जीन्स में बैठ के तू बड़े चेंज कर ले। सो गाइस बच्चे बीमार हैं, मतलब हो जाएंगे ठीक, अभी चलते हैं, गर्मी लग रही है भाई यहाँ तो, अपना कमरा जिंदाबाद है, एसी तो चल रहा है, कम से कम गर्मी से तो बच रहेंगे। हाय राहत यार, हो गया मुझे इस कमरे से। सो गाइस देखो हमको रात को हो रही है बहुत ज़्यादा आज क्रेविंग, सो आज बना रहा हूँ मैं मैगी, ये देखो बहुत तगड़ी वाली मैगी बना रहा हूँ, मैगी खाएंगे आज रात में। अब बस देखो 2-3 पैकेट बना दिए, क्योंकि आपको कहने लगी मुझे भी खाने, मैंने कि चल भैया हम बना देते हैं। सो मैगी बन रही है अभी, बहुत तगड़ी वाली मैगी, बस ये लगा लो। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बेकार लगी तो डिसलाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ बेकार लगी। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय गाइज़।